ये है अध्याय 3। तीसरे अध्याय की शुरुआत में श्री चाणक्य कहते हैं कि दोष किसके कुल में नहीं है, ऐसा कौन है जिसे दुख ने नहीं सताया, अवगुण किसे नहीं है, सदैव सुखी कौन रहता है। यह संसार दुखों का सागर है, इस संसार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे दुख ना हुआ हो। सभी व्यक्तियों में कुछ न कुछ दुख रोग एवं अवगुण अथवा कुछ न कुछ बुरी आदतें पाई जाती हैं। इस संसार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सदैव सुखी रहता हो। हर इंसान को किसी न किसी तरह के संकटों का, दुखों का, रोगों का, बुरी आदतों का सामना करना ही पड़ता है। दुख और सुख तो साथ साथ लगे रहते हैं, जैसे दिन और रात। आगे श्री चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का चरित्र उसके खानदान को बताता है। भाषण अर्थात उसकी बोली से उसके देश का पता चलता है, विशेष आदर सत्कार से उसके प्रेम भाव का तथा उसके शरीर से उसके भोजन का पता चलता है। आगे श्री चाणक्य समझाते हैं कि कन्या का विवाह अच्छे कुल में करना चाहिए, पुत्र को विद्या के साथ जोड़ना चाहिए, दुश्मन को विपत्ति में डालना चाहिए और मित्र को अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। श्री चाणक्य समझाते हैं कि अपनी पुत्री का विवाह वर पक्ष के खानदान को अच्छी तरह परख कर ही करना चाहिए। वह अपने पुत्र को अच्छी और उच्च शिक्षा प्रदान करना चाहिए। यदि शत्रु निकट आ जाए तो उसे विपत्ति में डाल दे और अपने प्रिय मित्र को हमेशा अच्छे और महत्वपूर्ण कार्यों में लगा कर रखें। आगे समझाते कि दुर्जन और सर्प के सामने आने पर सर्प का वरण करना उचित है, न कि दुर्जन का, क्योंकि सर्प तो सिर्फ एक ही बार डसता है, लेकिन दुर्जन व्यक्ति आपको कदम कदम पर बार बार डसता ही रहता है, इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। राजा खानदानी लोगों को ही अपने पास एकत्र करता है, क्योंकि कुलीन अर्थात अच्छे खानदान वाले लोग प्रारंभ में, मध्य में और अंत में राजा को किसी भी दिशा में नहीं त्यागते हैं। चाणक्य समझाते हैं कि मूर्ख व्यक्ति से हमेशा बचना चाहिए, वह प्रत्यक्ष में दो पैरों वाला पशु है। जिस प्रकार बिना आंख वाले अर्थात अंधे व्यक्ति को कांटे भेदते हैं, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति अपने कटु व अज्ञान से भरे वचनों से हमें भेदता रहता है। रूप और यौवन से संपन्न तथा उच्च कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी यदि विद्या से रहित है तो वह बिना सुगंध के फूल की भांति शोभा नहीं पाता है। भाव यही है कि आदमी की शोभा उसके सुंदर रूप, यौवन व उच्च कुल में जन्म लेने से नहीं होता है, उसकी शोभा उसके ज्ञान से होती है। कोयल की शोभा उसके स्वर में है, स्त्रियों की शोभा उनके पतिव्रत धर्म में है, गुरु व्यक्ति की शोभा उनके ज्ञान में होती है और तपस्वियों की शोभा उनके क्षमा में है। यदि किसी एक व्यक्ति को त्यागने से पूरे कुल की रक्षा होती है तो उस एक व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। पूरे गांव की भलाई के लिए, कुल को तथा देश की भलाई के लिए एक गांव को और अपने आत्म सम्मान की रक्षा के लिए सारी पृथ्वी को छोड़ देना चाहिए। आगे श्री चाणक्य कहते हैं कि उद्योग धंधा करने पर निर्धनता कभी नहीं रहती है, प्रभु का नाम जपने पर पाप नष्ट हो जाते हैं, चुप रहने अर्थात सहनशीलता रखने पर लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, जो जागता रहता है अर्थात सदैव सजग रहता है उसे कभी भी किसी भी चीज का भय नहीं सताता है। आगे चाणक्य समझाते हैं कि अति सुंदर होने के कारण सीता का हरण हुआ, अत्यंत अहंकार के कारण रावण का वध हुआ, अत्यधिक दान के कारण राजा बलि बांधा गया, अर्थात सभी के लिए अति ठीक नहीं होती है, इसलिए हमें किसी भी चीज में अति नहीं करना चाहिए। हर चीज की एक सीमा होती है, मर्यादा होती है, सीमा से बाहर जाने पर प्राय नुकसान ही होता है। आगे चाणक्य समझाते हैं कि समर्थ को भार कैसा, व्यवसाय के लिए कोई स्थान दूर क्या, विद्वान के लिए विदेश कैसा और मधुर वचन बोलने वाले के लिए शत्रु कौन। अर्थात जो व्यक्ति समर्थ है उसे कोई भी काम सहज ही लगेगा, उसे कोई भी कार्य भार स्वरूप नहीं लगेगा। व्यवसायी व्यक्ति अपने व्यवसाय के लिए कहीं भी जा सकता है, वह स्थान की दूरी को नहीं देखता, वह अपने लाभ को देखता है। इसी प्रकार विद्वान व्यक्ति के लिए विदेश में भी लाखों मित्र हो सकते हैं, और यदि कोई व्यक्ति मीठा बोलता है, अच्छा वाणी में बोलता है तो उसके कोई शत्रु नहीं होते हैं। आगे समझाते हैं कि एक ही सुगंधित फूल वाले वृक्ष से जिस प्रकार सारा वन सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार एक सुपुत्र से सारा कुल शोभित हो जाता है। अच्छे गुण सभी जगह प्रशंसनीय होते हैं, उनकी लोक प्रसिद्धि सुगंधित पुष्प की भांति होती है जो सभी जगह फैल जाती है। किसी कुल का एक सुपुत्र सारे कुल को सम्मानित कर देता है। आगे कहते हैं कि आग से जलते हुए सूखे वृक्ष से सारा वन जल जाता है, जैसे कि एक कुपुत्र से सारे कुल का नाश हो जाता है। कुल का विनाश करने के लिए एक ही कुपुत्र काफी होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक जलता हुआ वृक्ष पूरे वन को जलाकर खाक कर देता है। आगे श्री चाणक्य कहते हैं कि शोक
और दुख देने वाले बहुत से पुत्रों को पैदा करने से क्या लाभ है। कुल को आश्रय देने वाला एक ही पुत्र सबसे अच्छा होता है। जैसे महाभारत में धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, पर सभी ने उन्हें दुख ही पहुंचाया। वे सभी महाभारत युद्ध के कारण बने, जबकि 5 पांडवों ने धर्म के मार्ग पर चलकर विजय प्राप्त की और वंश का नाम सुशोभित किया। आगे समझाते हैं कि पुत्र से 5 वर्ष तक प्यार करना चाहिए, उसके बाद 10 वर्ष तक उसे दंड आदि देते हुए अच्छे कार्यों की ओर लगाना चाहिए। 16 साल आने पर मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। संसार में जो कुछ भी भला बुरा है उसका उसे ज्ञान कराना चाहिए। इस प्रकार एक पिता अपने पुत्र के जीवन को भली भांति सवार सकता है और उसे गलत मार्ग पर बढ़ने से रोक सकता है। आगे चाणक्य समझाते हैं कि देश में भयानक उपद्रव होने पर, शत्रु के आक्रमण के समय पर, भयानक अकाल के समय, दुष्ट का साथ होने पर जो भाग जाते हैं वही जीवित रहता है। मतलब समझने का तात्पर्य यह है कि यदि ऐसी कंडीशन आपकी लाइफ में आती है तो उस कंडीशन में भागना ही सही फैसला होगा। जिनके पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनमें से कुछ भी नहीं होता है, उसके लिए जन्म लेने का फल केवल मृत्यु ही होता है। आगे चाणक्य समझाते हैं कि जहाँ मूर्खों का सम्मान नहीं होता, जहाँ अन्न भंडार सुरक्षित रहता है, जहाँ पति पत्नी में कभी झगड़े नहीं होते, वहाँ लक्ष्मी बिन बुलाए ही निवास करती है। भाव यह है कि जिस देश में मूर्खों की जगह विद्वानों का सम्मान होता है, जहाँ समुचित अन्न भंडार रहता है, जहाँ परिवार और घर गृहस्थी में प्यार बना रहता है, वहाँ सुख और समृद्धि बराबर बनी रहती है। यह था चाणक्य नीति का भाग 3।